हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोल्डन एरा एजुकेशन। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक सभी गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये रहा। एक व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु उसने अपने पुत्र के साथ सहयोग से उस कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर लिया। उसका पुत्र उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है ना दोस्तों? तो पी मतलब पर्सन दोस्तों, है ना, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं। पी मतलब कि 10 दिन में, और पी प्लस एस मतलब कि एस मतलब कि सन, है ना, पी पर्सन और एस सन, तो वो दोनों मिलकर कितने के दिनों में कर रहे हैं? 8 दिन में। ठीक है दोस्तों, तो सन कितने दिनों में करेगा दोस्तों? एस, एस बराबर क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 मल्टीप्लाई 8 बटे 10 माइनस 8। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया कितना, 80/2, और ये हो गया 40 दिन। ठीक है दोस्तों, 40 दिन, तो कौन सा आंसर हो गया अपना? डी ऑप्शन। अब दोस्तों ये ओनली ये वाली ट्रिक है ना दोस्तों, ये दो ही आदमियों के लिए वैलिड है। अगर इसमें 3 आदमी हो जाते तो उसकी अलग ट्रिक होगी, वो भी आपको सभी को बताएंगे बाद में। चले देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। ये रहा, 12 व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। उन लोगों के 6 दिन तक कार्य करने के बाद 6 और व्यक्ति उस कार्य में शामिल हो जाते हैं, तो वे अवशेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपको एक MDH की कहानी बताता हूँ, MDH मसाले का तड़का। अब इसमें दोस्तों MDH मसाले का तड़का लगाते हैं, एक चीज़ होती है MDH, ठीक है दोस्तों, /W, ये होता है MDH मसाला, है ना। अब दोस्तों MDH कैसे करेंगे, तो 12 व्यक्ति M और 9 दिन 9, कितना किसी काम को पूरा करते हैं, कितना काम करेंगे दोस्तों? 12 मल्टीप्लाई M करेंगे तो कितना आएगा? 108। ठीक है, ये होगा अपना पूरा काम। अब उन लोगों ने 6 दिन तक कार्य करने के बाद 6 और व्यक्ति उस कार्य में शामिल हो गए। अब वो 12 व्यक्ति कितने दिनों तक काम किए दोस्तों? 6 दिन के, तो 12 मल्टीप्लाई 6 किया अपन ने, तो ये कितना है? 72। ठीक है दोस्तों, 72 काम कर चुके हैं। अब कितना शेष बचा दोस्तों? इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आया अपना? ये आया अपना 36। अब ये 36 काम बचा है टोटल, और अब व्यक्ति कितने हो गए दोस्तों? 12 और 6 कितने हुए? 18, है ना दोस्तों, 18 व्यक्ति हो गए 12 और 6, क्योंकि इसमें ऐड हो गए कितने? 6 और ऐड हो गए, यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों, ये 6 व्यक्ति और आ गए, तो 6 और ऐड हो जाएंगे, कितने हो गए दोस्तों? 18 व्यक्ति। अब 18 व्यक्ति कितने दिनों में उस कार्य को पूरा करेंगे, शेष कार्य को? तो 18 मल्टीप्लाई x दिन में कितना कार्य करना है? 36, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 18 से इसको डिवाइड किया 36 को, कितने बार गया? 2, तो x बराबर 2 दिन में, तो 2 दिन और बचे हैं, उनमें वो काम पूरा कर लेंगे, है ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक्स और कमेंट्स तो चलते ही रहने चाहिए दोस्तों। अगर आपको पसंद आ रहा है ना तो डेफिनेट करो, और अगर पसंद नहीं आ रहा हो तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, उसमें आपको और भी धूम मचा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। ये रहा दोस्तों, यदि 36 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 200 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी 6 दिन में गहरी खाई 6 दिन में खोद सकते हैं, तो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 व्यक्ति 100 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी खाई कितने दिनों में खोदेंगे? है ना दोस्तों, इसमें भी दोस्तों क्या करेंगे, इसमें भी MDH का तड़का लगा देंगे। यहाँ पर लिख दो MDH, और दोस्तों MDH मसाला तो आपको सबको पता ही होगा, तो ये MDH का तड़का अभी लगाते हैं, इसमें देखिए कैसे लगाते हैं, है ना दोस्तों। तो लिखते हैं ऐसे कैसे, 36 तो व्यक्ति हैं, ठीक है दोस्तों, 10 घंटे रोजाना काम करते हैं, और कितने दिनों तक काम करते हैं? ये 6 दिनों तक, है ना, ये रहा दोस्तों 6 दिन, तो ये 6 दिनों तक काम करते हैं, और क्या काम करते हैं दोस्तों? 200 मीटर कोई लंबी,
खाई है, 3 मीटर चौड़ी है और 2 मीटर गहरी है, बराबर कितने के है दोस्तों? बराबर है 10 व्यक्ति हैं कोई, है ना, ये रहा 10 व्यक्ति, ठीक है, 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से काम करते हैं, तो कितने दिनों में? उसकी जगह लिख देंगे एक्स बटे, काम क्या कर रहे हैं दोस्तों, 100 मीटर कोई लंबी, कोई क्या है, खाई है और 4 मीटर चौड़ी है, 3 मीटर गहरी है, तो अब इनको काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3 से 3 गया, 2 दूनी 4 से 2 दूनी 4 गया, नीचे का फिनिश, ऊपर बचा, ऊपर क्या करना है दोस्तों, 8 को 4 से 2 बार काटे और इधर 4 से 36 को कितनी बार गया, 9 बार, ठीक है दोस्तों, 9 बार ये कट गया, अब यहाँ से 2 बचा इधर 8 के ऊपर, तो ये 2 से कितना का काटा, 2 से काटा दोस्तों, यहाँ से 10 से तो 10 गया, 2 से 6 गया कितनी बार, 3 बार, अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया दोस्तों, एक्स इक्वल टू आया अपना कितना, 27 डेज, है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, अपना हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये रहा दोस्तों, एक्स किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, यदि वाई जिसकी जिसकी कार्य करने की क्षमता एक्स से 50% ज़्यादा है भी इस कार्य में शामिल हो जाता है, तो एक्स और वाई मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति है एक्स, एक व्यक्ति है वाई, ठीक है, और मान लो एक्स की कार्य करने की क्षमता है 100, ठीक है, तो वाई की कितनी होगी दोस्तों, 50% ज़्यादा है तो कितनी हो जाएगी, 150, ठीक है। अब दोस्तों इस रेशियो को अपन काट लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो गए, ये रेशियो में है दोस्तों ना, तो ये क्या है दोस्तों, क्षमता, कैपेबिलिटी है ना, क्षमता, ठीक है दोस्तों, क्षमता है ना, तो क्षमता का रेशियो है ये, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से 5 से 2 बार 10 गया 2 बार, ये गया 3 बार, 2 रेशियो 3 में इसकी क्षमता आ गई, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, अपन को देख क्या रखा है दोस्तों, 15 दिन दे रखा है, वो किसका है, एक्स का ना, तो ये एक्स की अपनी क्षमता कितनी है, 2, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों एक्स की क्षमता तो 2 है, तो दोस्तों अब ये एक्स की क्षमता है, तो एक्स का समय, एक्स का समय कितना है दोस्तों, 15 दिन है ना, तो वो उसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, 1/2, मतलब क्षमता का उल्टा दिन, है ना, तो 1/2 इकाई कितने के बराबर है दोस्तों, 1/2 इकाई बराबर है 15 दिन के, ठीक है दोस्तों, 15 दिन के 1/2 इकाई, क्योंकि दोस्तों इसके 15 दिन है ना, तो 1/2 इकाई, इसका ये 2 है यहाँ क्षमता में, इसका उल्टा कर देंगे, है ना, तो वो समय में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1/2 इकाई समय कितने के बराबर है, 15 के, तो 1 इकाई बराबर कितना हुआ दोस्तों, 15 × 2 किए तो 30, ठीक है दोस्तों। अब ये 30 दिन यहाँ से आ गया, ठीक है दोस्तों। अब बोल रहा है कि एक्स और वाई मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे दोस्तों, अभी ये तो एक आ गया दोस्तों, एक इकाई कितने के बराबर होगा, 30, है ना, तो दोस्तों एक्स और वाई की इकाई कितनी बन रही है अपनी, ये तो एक्स की इकाई बन रही है 1/2, है ना, तो एक्स और वाई की इकाई कितनी बनेगी दोस्तों, 1/2, दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 3 यही क्षमता है, उन दोनों को जोड़ के लिख देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे कितने में होगा दोस्तों, 1/5, है ना, 2 और 3 5, मल्टीप्लाई कितने का हो जाएगा दोस्तों, ये डायरेक्ट 30 के, जब एक इकाई इतने के बराबर है तो 1/5 इकाई कितना होगा दोस्तों, ये ना क्यों कर रहे हैं दोस्तों, ये क्योंकि अपना है एक इकाई बराबर कितना है, 30, है ना, तो 1/5 इकाई कितना होगा दोस्तों, 1/5 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये अलग चीज़ें हैं इधर वाली, है ना दोस्तों, इनको आप एक जगह मत कर देना ना, तो 5 से इसको 30 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 6 बार, है ना, तो ये 6 ही अपना क्या आ जाएगा, दिन आ जाएंगे, कितने दिनों में काम करेंगे, 6 दिन में, तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों अपना, ये डी ऑप्शन देखो दोस्तों, ये छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी दोस्तों ये पूरा बोर्ड भर गया, यहाँ पे 6 दिन आ रहा है ना, तो ये 6 दिन आएगा इसका आंसर, है ना, ठीक है, तो ये 6 दिन अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये देखिए दोस्तों, ये 2 व्यक्ति ए और बी किसी कार्य को मिलकर पूरा करते हैं, ये दोनों उसी कार्य को अकेला 30 दिनों और 40 दिनों पूरा करेंगे कर सकते हैं, यदि इन्हें 2100 रुपये का भुगतान किया जाता है, मतलब कोई काम का इनको पैसे मिलता है 2100 रुपये ना, तो बी का हिस्सा कितना होगा,
ठीक है दोस्तों। अब इसको कैसे करते हैं दोस्तों, है ना, ये भी बहुत ईजी है दोस्तों। देखो देखो कैसे करते हैं, ए और बी कोई दो आदमी हैं, ठीक है दोस्तों। समय समय का रेशियो, समय कितना देर का है दोस्तों, कितने कितने दिनों का काम कर सकते हैं पूरा अकेले अकेले, ये 30 दिन में कर सकता है और ये कर सकता है 40 दिन में। 1 0 से 1 0 गई, तो 3:4 में कर सकते हैं ना। तो इनकी क्षमता क्या होगी दोस्तों, इसकी जस्ट अपोजिट, अभी मैंने पहले बताया था क्षमता अपोजिट होती है, तो ये क्षमता कितनी हो जाएगी, 4:3 है ना दोस्तों, 4:3 हो जाएगी। क्योंकि अभी 4:3 कैसी हुई दोस्तों, 1/4, 1/3 और 1/4 करेंगे तो उनको वज्रगुणन कर देंगे दोस्तों, है ना, कैसे 1/4:1/3 करते हैं दोस्तों ना। तो अब इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऐसे इसकी वजह से ये आया है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, अब मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे दोस्तों ना, यहाँ पे होता 1/3 और यहाँ पे होता 1/4। अब इनको उल्टा करते हैं दोस्तों, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो ये 4:00 इधर आ जाता और 3:00 उधर पहुँच जाता, ठीक है दोस्तों। 3:00 तो यहाँ आ जाता 3 और 4:00 यहाँ पर आ जाता 4, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे लिखा है मैंने ना, तो बी का हिस्सा कितना होगा दोस्तों, अब बी का हिस्सा डायरेक्ट निकाल लेंगे, बी का हिस्सा, ठीक है दोस्तों। तो हिस्सा कितना हुआ दोस्तों, बी का हिस्सा हुआ 2100 रुपये टोटल हैं, ठीक है दोस्तों, 2100 लिख देंगे मल्टीप्लाई बी का कितना है क्षमता, क्योंकि अब क्षमता के अनुसार डिवाइड होगा दोस्तों, समय के अनुसार नहीं, क्षमता के अनुसार डिवाइड होता है। धन कितने किसके अनुसार डिवाइड होता है, क्षमता के। तो क्षमता में बी की क्षमता कितनी है, 3 है ना, तो 3/3, अब टोटल क्षमता कितनी है, 4 और 3 7 है ना, तो नीचे 7 आ जाएगा टोटल, क्योंकि 7 पे तो निकलेगा दोस्तों, है ना। तो 2100 का 3/7 निकाल लेंगे, 7 से 2100 कितनी बार गया दोस्तों, ये गया अपना 2100, 7 21 300 बार, है ना। अब 300 को मल्टीप्लाई कर दिया 9 से 3 से, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से अपना 900 रुपये आ जाएंगे। अब 900 रुपये किसको मिलेंगे दोस्तों, बी को, है ना। अब दोस्तों अब ये तो अपना तो आंसर आ गया है ना, अब चेक भी कर सकते हैं, 4 को रख के देख लो दोस्तों, यहाँ पे 3 की जगह 4 रखेंगे, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 1200 रुपये आ जाएंगे। अब 1200 और 900 को ऐड करेंगे तो कितना होता है, 2100, तो मतलब अपना क्वेश्चन बिल्कुल राइट था, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आई होप आप सभी को पसंद आ रहा होगा दोस्तों, और अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये रहा दोस्तों, ये है आप आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, इस काम को 12 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसमें भी MDH का तड़का लगा दो, बस डायरेक्ट MDH मसाला लगा दो, ठीक है दोस्तों। अब कैसे करेंगे दोस्तों, 16 आदमी मतलब MDH लिख लो दोस्तों, यहाँ पे MDH है ना अपॉन W, ठीक है दोस्तों। अब जो काम आता है ना दोस्तों, वही काम लेना है मात्र, ऐसे नहीं कि पूरा ही लगा दिया, नहीं दोस्तों, जो जो चीज़ अपन को दी हुई है ओनली वही अपन इसमें पुट करेंगे। MDH दोस्तों मसाला भी तो कुछ ऐसा ही होता है ना, जैसा जैसी सब्जी वैसा टेस्ट, ठीक है दोस्तों। तो जैसी अपन को सब्जी बनानी है वो उसी के अकॉर्डिंग अपना रंग बदल लेता है, ठीक है दोस्तों। तो वैसे ही यहाँ पे अपना फॉर्मूला काम कर रहा है। तो दोस्तों 16 आदमी कितने दिनों में काम, 16 आदमी हैं जो 8 दिन काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 12 आदमी कितने दिनों में करेंगे, 12 मल्टीप्लाई x दिनों में, तो यहाँ से अपन इसको काट लेंगे, कैसे दोस्तों, 4 से 8 गया 2 बार, 4 से 1 गया 3 बार, ठीक है दोस्तों। 16 दूनी 32, तो 32 बराबर कितना आया दोस्तों, 3x, तो x बराबर कितना आएगा दोस्तों, 3 से 1 गया 10 30, 10 बार तो 30 हो गया, और बचा 2, तो 2/3 है, इसे डिवाइड कर रहे हैं 3, ठीक है दोस्तों। तो 10 से 2/3 दिन आ जाएंगे दोस्तों, है ना, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, तो 10 से 2/3 कौन से में, सी ऑप्शन में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो अपना ये क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आज आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो मैं तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को अच्छा ही लगा होगा, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा लगा है दोस्तों, ना। तो दोस्तों ऐसी बात है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और दोस्तों आप अपनी फीलिंग्स भी बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है दोस्तों मेरी क्लास। अगर दोस्तों आपको अच्छी लग रही है ना दोस्तों, ना,
तो मैं वादा करता हूँ दोस्तों, है ना, अब की बार दोस्तों आपको नेक्स्ट जितनी भी एग्ज़ाम्स होंगे ना उसमें आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा आप सभी से वादा है। और ये आप नोट करके लिख लेना दोस्तों, आपकी जिस भी कॉपी में आप या अभी ये उतार रहे हो ना उस सभी में लिख के रख लेना दोस्तों, ये मेरा आप सभी से वादा है। और दोस्तों है ना, मैं एक बात बता देता हूँ, अगर इससे बाहर क्वेश्चन आ जाए ना ऐसे क्वेश्चन से ना, फिर बता देना मेरे को, ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।